नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज और विकेटकीपर ईशान किशन ने इस मैच में वापसी की है। आपको बता दें कि पिछले मैच में ईशान को चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो आराम कर रहे थे और उम्मीद जताई जा रही थी कि वो आज मैदान पर नहीं दिखेंगे, लेकिन ईशान पूरी तरह से फिट हुए और मैदान पर उन्होंने वापसी की। और क्या शानदार वापसी की! उनके मैच को देखकर हर कोई सलाम कर रहा था। पिछले मैच में लगी चोट के बाद लगता है ईशान का खेल और भी निखर कर सामने आ गया है। राजस्थान के खिलाफ ईशान ने टीम के लिए अहम अर्धशतकीय पारी खेली। ईशान किशन 42 गेंदों में 58 रन की पारी खेलकर पहला अर्धशतक अपना आईपीएल में बनाने में कामयाब रहे। ईशान ने अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए। आपको एक बार फिर बता दें कि ये ईशान किशन की पहली आईपीएल में अर्धशतकीय पारी थी। ईशान का आईपीएल में पहला अर्धशतक देख रोहित शर्मा भी हैरान रह गए और खुद ईशान को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। फिर ईशान का विकेट धवन कुलकर्णी ने लिया और वो पवेलियन लौट गए, लेकिन ईशान ने अपने आईपीएल करियर में एक अर्धशतक तो जोड़ ही लिया है, जिसको देखकर उनके फैंस काफी खुश हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ईशान ऐसी ही पारी इस आईपीएल सीजन में खेलते रहें और नए नए रिकॉर्ड अपने नाम करें, तो इस वीडियो को लाइक करना और ईशान के लिए बेस्ट विशेस कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।